मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा अन्य भाजपा नेताओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति की जा रही बयानबाजी को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बाली कहावत को चरित्रार्थ करने वाला करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस पार्टी के तथाकथित 12 करोड़ के बिल को लेकर की गई टिप्पणी स्वास्थ्य विभाग में उनकी सरपरस्ती में हुए घोटालों से हुई फजीहत की झुंझलाहट को प्रदर्शित करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जयराम ठाकुर एक कमजोर नेता और मुख्यमंत्री सिद्ध हुए हैं, क्योंकि न सरकार पर उनका नियंत्रण है, न ही विधायकों पर मुख्यमंत्री का रिमोट निक्करधारियों और अधिकारियों के हाथ में है। प्रदेश के कुछ भाजपा नेताओं और विधायकों द्वारा कांग्रेस नेताओं पर संकट के समय में राजनीति करने के आरोपों का जवाब देते हुए कौशल ने कहा कि राजनीति तो भाजपा के अंदर हो रही है और महामारी से लड़ने की बजाय भाजपाई आपस में ही भिड़ रहे हैं। भाजपा के विधायक और नेता अपनी पार्टी आला कमान को पत्र लिखकर एक दूसरे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तथा सरकार में मंत्री पद प्राप्त करने के चक्कर में एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। भाजपा में व्याप्त आंतरिक द्वंद्व के चलते मुख्यमंत्री और सरकार का पूरा फोकस महामारी से त्रस्त जनता की सुध लेने के बजाय आपसी झगड़ों को निपटाने पर है, जो नेता कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने तथा उनके जमानत पर होने की बात कर रहे हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये केस बनाए हैं और ये मामले माननीय अदालतों के विचाराधीन हैं, और जब निर्णय आएगा स्वयं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे नेताओं को बंगारू लक्ष्मण और जूदेव जैसे शीर्ष नेताओं का स्मरण भी कर लेना चाहिए। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा सरकार के 3 वर्ष का निराशाजनक कार्यकाल पूर्ण होने वाला है और जो कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर तथ्यविहीन टिप्पणियां कर रहे हैं, वे अपने गिरेबान में भी एक नजर झांक कर देख लें, क्योंकि जो गोलमाल चल रहा है उसके विषय में वे इस गलतफहमी में ना रहें कि वे किसी को नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत को ही चरितार्थ करता है। दरअसल मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ है उससे जो फजीहत हिमाचल प्रदेश सरकार की और स्वयं मुख्यमंत्री की हुई है, उसकी झुंझलाहट में माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विषय में तथ्यविहीन बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेता और विधायक भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर संकट के समय में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति अगर कहीं हो रही है संकट में और इस महामारी के दौर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को मानने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री का न सरकार के ऊपर, न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, न विधायकों के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण है। सरकार में मंत्री पद प्राप्त करने के चाहत में विधायक एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ पार्टी आलाकमान को शिकायत कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और महामारी में मुख्यमंत्री और सरकार का फोकस लोगों को, जनता को राहत देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है उसको निपटाने के ऊपर ज्यादा है। इसलिए महामारी के इस दौर में अगर कहीं राजनीति हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी का के अंदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बहुत अधिक असंतोष पनप चुका है और ये कभी भी बड़े विस्फोट की शक्ल ले सकता है। कुछ नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके जमानत पर होने की बात कही है।
ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि जो बयान वो दे रहे हैं उस बयान को देने से पहले बंगारू लक्ष्मण, जूदेव और ऐसे अनेक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनका स्मरण कर लें। और जिन केसेस की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार द्वारा एक सोचे समझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के नेताओं के ऊपर वो केसेस बनाए गए जो अब माननीय अदालतों के में विचाराधीन है। और जब ऐसे केसेस का निर्णय आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक बात और ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि किसी गलतफहमी में ना रहें, जिन घपलों को वो अंजाम दे रहे हैं ये ना सोचें कि वो किसी की नज़र में नहीं है, उनके ऊपर भी जनता भी सब लोग नज़र रखे हुए हैं।